मंत्रों के उच्चारण से हाथ में हथियार आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है रे, कुछ भी मत बताओ यार। सेवा जवाहर सगाजनों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल खन्ना के आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, उस सवाल में से मुझे कुछ चुनिंदा मेल आए हैं। उस मेल का जवाब मैंने सोचा कि वीडियो के द्वारा दूं कि इंडिया में बड़ा ही फेमस एक मुद्दा है। प्राचीन काल से मंत्र को बड़ा माना जाता है, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग जो मंत्र की बात करते हैं, एक्चुअली वो मंत्र बुरे होते हैं, भले होते हैं, अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में सवाल होता है। मंत्र एक्चुअली है क्या, मंत्रों से क्या होता है, इसका साइंस अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो बनाने में मैंने किसी भी ग्रंथ का, किसी भी पुस्तक का सहारा नहीं लिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा अध्ययन है, मेरा खुद का अध्ययन है। और इस अध्ययन के जरिए मैं आपको मंत्र क्या चीज़ होती है, उससे क्या होता है, क्या एक मंत्र बोलने से एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे आघात किया जा सकता है, क्या उसको दुख पहुंचाया जा सकता है, ये सभी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। आप जानते हैं हम ट्राइबल थ्योरी को मानते हैं, और ट्राइबल थ्योरी के तहत ही हम इस वीडियो के तहत तक चलेंगे, क्योंकि मैं बाकी थ्योरियों पे विश्वास नहीं करता, चाहे वो ग्रंथ संपदा हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर धर्म के बारे में है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मंत्र तंत्र होता क्या है एक्चुअली उस मंत्र को देखेंगे, किसी भी मंत्र को फोड़ेंगे तो उसमें से बहुत सारा अर्थ निकल के बाहर आ जाता है। एक तो वो पर्टिकुलर किसी भगवान की स्तुति हो जाती है, यानी उसकी प्रशंसा हो जाती है, या फिर उसका एक गहरा अर्थ निकल जाता है। लेकिन आप मुझे एक बताइए कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, उस स्टोरी में एक हीरो है, एक विलन है, और स्टोरी को मैंने छोटे से शब्दों में समेट लिया, और अगर मैं वो दो चार बार बोलता हूँ तो क्या कोई मरेगा? तो फिर आप ये क्यों मानते हैं कि कोई मंत्र चलाएगा और आप पे कुछ जादू हो जाएगा? ये पहले थिंकिंग बाहर निकालिए। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम में आप इमेजिन करिए कि जहाँ पे बुक्स नहीं थे, जहाँ पे टेप रिकॉर्डर नहीं था, जहाँ पे टीवी नहीं थी, जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था, जहाँ पे मोबाइल नहीं था, एक जानकारी हजारों पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाई जाएगी? मैं अगर चाहूँ, मैं अश्मयुगीन इंसान हूँ, मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं मेरे नाती के नाती के नाती के पास पहुंचाना चाहूंगा, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? क्या कारण है, क्या रीजन है, ऐसी क्या चीज है कि मैं उसको पहुंचाऊं? और ये सबसे बड़ा मेन रीजन है, आप देखते हो कि गालिब की जो शायरी है होती है, आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करने वाली शायरी है होती है। ये शायरी होती है चार लाइन की, बट इसमें अगर ढूंढा जाए, इसको समझा जाए तो एक बड़ा किताब निकल सकता है, इतना बड़ा विचार उस शायरी में छिपा होता है। पता है कि साहित्य सिर्फ किताबों में होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साहित्य हर जगह पे फैला हुआ है, हर जगह के मस्तिष्क में डाला हुआ है। ये साहित्यकार जो पहले के थे, जो प्राचीन, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी धर्म के बनने से पहले की, तो उस टाइम जो साहित्यिक थे, वो साहित्यिकों ने बहुत सारा गहरा अर्थ कुछ शब्दों में छिपाया और यही ट्रांसफर किया जनरेशन के बाद, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, और हजारों सालों के बाद हमारे हाथ में भी कुछ आया है। भले उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लग गया हो, लेकिन वो हमारे हाथ में आ चुका है। ये टेक्नोलॉजी थी हमारे साहित्यकारों की। आप अगर ये देखेंगे, आपके किताब में आप हिंदी पढ़ते हैं या मराठी पढ़ते हैं, अपनी प्रादेशिक भाषा पढ़ते हैं, तो उसमें कविताएं होती हैं, पोइट्री होती है। जो पोएट लिखता है वो एक्चुअली एक बड़े किताब का अर्थ एक पोएट में डाल देता है। यानी आप ये जान सकते हैं कि शब्दों का कितना महान अर्थ होता है, शब्दों का कितना गहरा अर्थ होता है, कि वही शब्द एक किताब लिखने में जो संदेश दे रहे, वो एक पोइट्री बता देती है, कविता बता देती है। यही गेम है मंत्रों का। मंत्रों में आपको शब्द जो है छोटे मिल सकते हैं, बट उसका अर्थ जो निकलता है, प्रशंसा होता है या स्तुति होती है, या फिर उस पंडुम के बारे में जानकारी होती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन धर्म, अरे बहुत सारे धर्म इस मंत्रों का उच्चार करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उसका वर्ड, उसका मीनिंग अलग हो सकता है, उसका शाब्दिक अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उसका मोटिव यही है कि किसी को गुमराह करना नहीं है, किसी को शाप देना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आने वाली जानकारी है जिसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, मंत्रों को रटने से हमारे जीवन में बदलाव आया है। तो एक्चुअली आया होगा, क्योंकि आपके जो वर्ड आप बोल रहे हैं, मैं भी वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि मेरी जो जिह्वा है, मेरी जो जबान है, वो ऊपर को टच हो रही है। ट बोलूंगा तो ऊपर पे टच हो जाएगी, नीचे पे टच होने वाले कुछ वर्ड हैं। ओट को बंद करके चालू करेंगे तभी वो वर्ड आएगा, जैसे म, म को आप
दो ओट को ऐसे साथ में लाए बात नहीं करे तो म नहीं निकलेगा। म के लिए आपको दोनों भी ओट ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनका ध्वनि कंपन होता है, और ध्वनि कंपन से हमारे बॉडी पे कुछ अलग इफेक्ट होता है। ध्वनि कंपन से जैसे कि आपने ऐसे कर दिया तो वो गले से आ गया, नाक से कुछ निकालने वाले वर्ड्स होते हैं ना, जो जिसका स्वर नाक से ही आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसकी मैजिक हमारे पुरखों ने जान ली थी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। धर्म बहने के पहले की बात कर रहा हूँ, यानी आप सभी के पुरखाओं की बात कर रहा हूँ, आप चाहे माने या ना माने। ये धर्म बनने के बाद अलग अलग फ्रेंचाइजीज खुलती गई और फिर सब लोगों ने अपना अपना बना लिया और कहा कि ये मेरा श्रेष्ठ है। लेकिन जब धर्म नहीं था तब भी इंसान था, और तब इंसान ने जो थ्योरी को डेवलप किया है उस थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो आपके बॉडी से निकलते हैं, कहीं गले से निकलने वाले स्वर है, कहीं मुंह से, कहीं नाक से। तो ये जो स्वर व्यंजन होते हैं इनका अगर उचित उच्चारण हो तो बॉडी में एक अलग प्रकार की एनर्जेटिक बड़ी अपने आप एक मोटिवेशन पैदा करती है, जिसमें से आप ये जो शरीर देख रहे हैं इसमें कुछ बदलाव हमें नजर आते हैं, ये भी साइंस मान चुका है। और इसीलिए पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि इसको रटो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको समझो या फिर उसकी जो स्वर के जरिए जो काम करता है उसका आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये मंत्र बुरे कामों के लिए है, ये मंत्र अच्छे कामों के लिए है। ये मंत्र आप ये करेंगे तो अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। ये सब चीजें जो मंत्रों पे डाली गई हैं, एक्चुअली मंत्रों को मिर्च मसाला लग गया है। इस 2023 में हम जो 2023 की बात कर रहे हैं, इसमें हम जो मून पे निकल गए, हम सूरज की तरफ निकल गए हैं, और इस साल में इस दुनिया में हम अगर ये बात करें कि मैं एक मंत्र बोलूंगा और अमेरिका का कोई आदमी मर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। शब्दों का यह खेल है जिसको समझना पड़ेगा। अभी गोंडी कल्चर में आते हैं हम लोग कि ऐसा क्या है कि वहां पे गोंडी कल्चर में मंत्र है कि नहीं। ये सिस्टम गोंडी कल्चर से ही दुनिया को मिले है। बुद्धा पीरियड के पहले भी यहाँ पे प्रोटो द्रविडियन ट्राइब रहते थे, और बुद्धा पीरियड के पहले भी यहाँ पे जो कोम रहती थी उस कोम में सबसे बड़ा नाम है गोंड और दूसरा है संथाली, भिल, ऐसे कुछ जनजाति हैं जो कि बहुत पहले से बिलोंग करती थी। अभी इन लोगों में एक बात सिमिलर है कि हमारे पुरखाओं के पास जब कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी, तब वो चंद चार लाइन में एक पंडुम का पूरा महत्व निकल जाता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वर्ड आता है, जिस वर्ड को मैं आपके सामने लूंगा, अरु अरु शंभु वरु वरु शंभु, दो लाइन है, अरु अरु शंभु वरु वरु शंभु। अरु अरु वरु वरु का मतलब होता है 88। आप याद रखिए 88 शंभु, यानी उस दो लाइन में ये बताया गया है कि 88 शंभु यानी 88 राजा यहाँ पे हुए हैं, जो कि इस महत्तम पंचखंड के धरती को वो राजा कंट्रोल करते थे, इंगित करते थे। अलग 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 विद्याओं में वो पारंगत थे, अलग अलग क्षेत्र में वो हमें नजर आते, अलग अलग समुदाय में वो हमें नजर आते। इसलिए ट्राइबलों में कोई भगवान माने, हम फड़ा पे इनको मानते हैं तो भिलों में नहीं मानते होंगे, लेकिन शंभु सब में हमें कॉमन नजर आते। तो ये जो अरु अरु शंभु और वरु वरु शंभु की जो बात आई है, ये रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर मैं किसी को सामने रख के बोलूंगा अरु अरु शंभु वरु वरु शंभु 108 बार बोलना है, चलो बोल दो, क्या होगा उस पर, जब तक वो समझेगा नहीं। मंत्र साइंस के आधार पर अगर हम लेंगे तो ये कोई ऐसी अच्छी या बुरी करने वाली संकल्पना नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पुरखों ने अडॉप्ट की और सामने तक भेजा कि ये जो जानकारी है। अभी आप अखाड़ी में जाएंगे, आप पोला त्योहार करते हैं, आप पंडुम करते हैं, कोई भी पंडुम करते हैं, उसमें अलग एक रेला पाटा आ जाता है, अलग गाना आ जाता है। सेम गाने नहीं गाते कोई ट्राइबल आदमी, सेम नृत्य नहीं होता हर उत्सव पे। अभी आप देख सकते हैं गांव-गांव में भीमाल पेन की पूजा चल रही है, भीमाल पेन का गुंगो चल रहा है, उसमें देखिए आप भीमाल पेन के पाटे अलग होते हैं, उनका डांस, उनका नृत्य अलग होता है। ये क्यों होता है, यही एक पद्धति है जिसको हमारे पुरखाओं ने अडॉप्ट किया, और वो एक जो पाटा है जो कि 8 से 10 लाइन का होता है, उसमें आप ढूंढेंगे तो एक बुक बन जाएगा, इतना बड़ा गहरा अर्थ उसमें छुपा होता है। और गोंडी ऐसी भाषा है, आप जितना ढूंढते रह जाओगे उतना मिलते जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए
इस मंत्रों की शैली को, प्रणाली को आप समझिए। इसे गोंडी में मादला बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इस मंत्र यह शब्द तो गोंडी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मंत्र यह शब्द प्रचलित शब्द है जो कि हिंदी भाषिक लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, लेकिन हम इसको कभी भी मंत्र नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मादला। क्योंकि प्राचीन भाषा में जैसे कि अरुअर शंभु वरुअर शंभु अगर चेंज हो जाता तो आज हमें ये नहीं पता चलता कि वो 88 शंभु थे। तो कहीं ना कहीं से मंत्रों को, ये जो मंत्र है, ये जो मादला है, जो प्राचीन गोंडी में जो पाटे बनते हैं, प्राचीन गोंडी के जो उच्चारण है वो हमारे पुरखा करते थे, हम उनको देख के कर रहे हैं। उस पंडुम पे आके अब हम सीखने लगे कि अरे यार इसका तो ये अर्थ निकलता है, मतलब ये इतिहास ऐसा है। दो दो लाइन से हम बड़ा बड़ा इतिहास ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ट्राइबलों से आई हुई जो कला है, ये आते 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 ये धर्मों ने अडॉप्ट की, और फिर आगे चलकर धर्म वाले लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मंत्रों के उच्चारण से हाथ में हथियार आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है रे, कुछ भी मत बताओ यार, मंत्रों के उच्चारण से कुछ अलग आ जाएगा। एक ने ऐसा मंत्र डाला कि वो सब जमीन वगैरह पलट गई। क्या चीज है, क्या बता रहे हो 2023 में लोगों को, पुरख बना रहे हो। इस मंत्र वाले टॉपिक को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कल आपके घर में कोई आएगा, मैं आपकी बीमारी दूर करूंगा, ये मंत्र रोज रटते जाइए। पहले उस मंत्र का अर्थ निकालिए, क्या काम का है, नहीं है सोचिए, अगर नहीं है तो ऐसे अंधश्रद्धाओं से बाहर निकल जाइए। यही मैं आपकी भलाई है और इसी में हमारे आने वाले जनरेशन की भी भलाई है। क्योंकि डीएनए को कोड कैसे करते हैं ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि डीएनए कैसे ट्राइबलों में होता है, इसको कैसे बनाते हैं। डीएनए यह शब्द हमें अभी अभी मिला है 200-300 सालों में, लेकिन डीएनए को कोडिंग कैसे होता है ये हजारों सालों की बात है। जब धर्म नहीं थे तब से हमारे कोई तुरों ने यहाँ पे डीएनए को कोड करना शुरू किया खुद में, क्योंकि हम कोड नहीं करेंगे तो हमारी जो नस्ल है वो आगे अच्छी कैसे पैदा होगी। तो उसको कोड करने के लिए क्या चीजें लगती है, कैसे कोडिंग होती है, प्राचीन एंशिएंट थ्योरी सीखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर बने रहे। इस मंत्रों के जंजाल से बाहर निकले और इसको एक लाइन और एक पोएट की तरह देखें जिसका अर्थ आपको नया इतिहास बता सकता है। लेकिन हाँ, जो ये बंदे कह रहे हैं कि ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र से फूकने से ये होता है और वो होता है, वो आदमी भी मूर्ख है और जो बता रहा है, जो सुन रहा है, वो अगर इसको समझता नहीं है तो वो भी मूर्ख है। आज के दुनिया में ऐसे चीजों को साइंस की नज़र से देखिए, तब जाके कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आता है तो अपने भाइयों में, अपने सगाओं में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।